तो कभी कभी ना बहुत ही वाहियात करके कस्टमर आ जाते हैं। तो एक कस्टमर आई थी अभी, पैक करवाया, सब कुछ कराया, बस पेमेंट कर रही थी। तो आज की जो आमदनी है, मतलब आमदनी तो छोड़ो, आज की जो सेल है वो कितनी हुई बताए तुम। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा वर्कआउट अभी अभी ख़त्म हुआ है, सारा सारा पसीना निकाल दिया है। और वर्कआउट करने के बाद जो फील आता है ना, वो फील किसी चीज़ के बाद नहीं आता। जब तक करो तब तक लगता है अरे होगा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट में जब हो जाता ना तो अच्छा लगता है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे दिन में कुछ ना कुछ कोई काम कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता होगा, और नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आज शुक्रवार जाएंगे शाम को मार्केट, वो भी दिखाएंगे। हमारा जो बाबू है वो सो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बेचारी सुबह से उठी हुई थी, सारा काम करके, नाश्ता वास्ता बना के, सफाई करके, सब कुछ करके अब आराम कर रही है। और इसकी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे इसका बीपी जो है ना बहुत डाउन रहता है, तो इस चक्कर में इसे आराम की बहुत आदत पड़ती है। और जैसे जैसे हमारा बाबू बड़ा हो रहा है, वो किक करने लगा था, जब वो किक करता ना तो बहुत उसको दिक्कत हो जाती, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा हो रहा है और किक जो है भारी हो रही है उसकी। ठीक है, चलो अब जाएंगे नहाने, वीडियो एडिटिंग करेंगे थोड़ी देर बाद, और फिर मिलते हैं आपको खाने के बाद या फिर शाम को। ठीक है, चलो जी। तो अपन आ गए मार्केट में, और आज की मार्केट अभी शुरू नहीं हुई, बहुत जल्दी आ गए आज हम। तो दुकान अपने लगा ली है आज के शुक्रवार की, और बच गए 6 लगाते लगाते। अब सिर्फ वेटिंग है बोनी का, दुकान लग गई है, अब बस वेट कर रहे हैं कि बोनी कब हो। और 6 बज के लगाते लगाते आज दोपहर में सोचे पता लगा बारिश कब हुई, बारिश भी हुई आज अच्छी खासी। अब कल की दुकानदारी देखते हुए लग रहा है कि आज भी अच्छी सेल हो जाए, लेकिन शुक्रवार का ऐसे ही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो देखते हैं आज कितना रहता है शुक्रवार। आज दो बारिश हुई है तो कुछ लोग नहीं आए हैं अभी। हमारे बोनी हो चुकी है 50 रुपये से 6:30 बजे, जैसे कल भी 6:30 बजे बोनी हुई थी वैसे आज भी। तो अब देखो आगे क्या होता है आज का। तो भाई साहब अभी दुकानदारी एकदम हो चुकी है, दुकानदारी ठीक चल रही है, पिछले हफ्ते से ठीक चल रही है आज। बाकी देखो और ये गाने चल रहे हैं कावड़ वालों के। तो भाई लोग आ गई है बारिश, मार्केट हो गया है पूरा लगभग ख़राब। ये हमने लगा दिया यहाँ पर पन्नी, तो अभी इस टाइम में ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है, और ऊपर से भी पानी गिरेगा, कन्फर्म हो में पानी गिरेगा, टीम के नीचे है ना, अभी बारिश तेज़ हो गई तो पानी गिरेगा। तो देखो कैसे होता है आज का काम। अब तो बाज़ार में भगदड़ आ जाती है जब उस टाइम बारिश आती है, तो भगदड़ का माहौल बन जाता है पूरा का पूरा, सभी को अपनी दुकानें हटानी पड़ती हैं, ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं, कपड़े वाले को भागना पड़ता है। ले जाओ 50 दिन लेडीज जरा 45 दिन, टोपे लो 50 रुपये 50 रुपये। तो ये जा रहे हैं कावड़िए, बस इतनी मस्ती में जा रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि कल को भाई कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा यंग होते हैं, इनको कंफर्म नहीं होता भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बस ये जोश जोश में सारे। देखो कितनी ऊँची गाड़ी बना रखी है। चलो जी कर आए अच्छे से ये लोग। तो बारिश हो गई ख़त्म, लेकिन आधे पौने घंटे की जो दुकानदारी वो हो गई है ख़राब। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, देखते हैं दोबारा बोनी होती है नहीं होती, 8:45 का टाइम हो गया। तो कभी कभी ना बहुत ही वाहियात करके कस्टमर आ जाते हैं, उनका समझ नहीं आता क्या करें। अब एक कस्टमर आता है जो कि सामान लेता है, एक आता है कि पूछ के चला जाता है, मना करता है नहीं चाहिए, एक आता है जो कि पूछता है, जांचता है, पैक कराता है, पेमेंट करने वाला होता है, और एक दिन में बहाना बना के भाग जाता है। तो एक कस्टमर आई थी अभी, पैक करवाया, सब कुछ कराया, बस पेमेंट कर रही थी, और पेमेंट करते करते कुछ बहाना लगा के गायब, बहाना लगाया और गायब, वहाँ याद करते हैं किसी को पसंद नहीं आएंगे। सामान चाहे कितने का ही बेच रहे हूँ, चाहे 100 का है, चाहे 200 का, चाहे 10 रुपये का, मना कर दो यार, नहीं चाहिए तो मना करो ना। जुराबे लो 50 दिन लेडीज जुराब 45 दिन, तो पे लो 50 रुपये 50 रुपये। 10 बजने वाले और मार्केट दोबारा शुरू तो हुआ, लेकिन दुकानदारी सही से नहीं हुई, मतलब सिर्फ 100 रुपये की हुई, और एक वो कस्टमर जो था वाहियात वो 100 की लेके भाग गया, मतलब दिया ही नहीं उसे कुछ। तो अभी और कुछ हुआ नहीं है, थोड़ी देर मार्केट हो जाएगा क्लोज, मतलब 10:15 तक बढ़ाना शुरू कर दूंगा। चलो घर चल के बताएंगे कि आज कितनी हुई। तो भाई लोग आ गए हैं घर मार्केट के बाद, बारिश के बाद तो जैसे बताया मैंने सेल हुई नहीं,
₹100 की हुई और शायद लास्ट में 65 रुपये की हुई है, एक टोपी भी की है। कोई बहुत बोल के रेट कम करो कम करो कम करो करते रहते हैं, लेकिन कर दी सेल। और थोड़ा भीग जरूर गए आज क्योंकि बारिश हो रही थी और जो हमारे बैग वगैरह थे वो भीग के सारे। तो अभी जो है ये है कि अब खाना खा लेते हैं फ्रेश होने के बाद, फिर इसको गिरेंगे। बट जैसा मार्केट जा रहा था ना, अच्छा आ रहा था बारिश ने, चलो कोई नहीं चलता है, कुछ तो हुआ हुआ वो दिखाएंगे आपको भी। पहले दोस्तों खाना वाना हो चुका है और अब इसके बाद हमने अपने पैसे वो कर दिया है काउंट, ठीक है। तो आज की जो आमदनी है, मतलब आमदनी तो छोड़ो, आज की जो सेल है वो कितनी हुई बता देता हूँ। सबसे पहले तो बताता हूँ कि सेल हुई है 680 रुपये की। अब ये जो सेल है ना, पिछले हफ्ते जो यहाँ पर सेल हुई थी 660 रुपये की फ्राइडे मार्केट में, उतने के ही बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अच्छा बस ये था कि आज जो थी ये सेल हो चुकी थी लगभग 8 बजे से पहले ही, ठीक है। इसमें 150 रुपये करीब जो है वो बाद में आए हैं सिर्फ, और बारिश ने जो है मामला ख़राब कर दिया, नहीं तो आज मुझे लगता 1000 की सेल हो जाती, ठीक है। क्योंकि कस्टमर कुछ आए थे और पूछ पाछ चले गए, लेकिन बारिश के टाइम तो कस्टमर सारे भाग गए, तो एक 1.5 घंटे की बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। तो सिर्फ 600 की ही सेल आज हो पाई, ठीक है। तो ये तो है आज की सेल, और इसमें से मैं सिंपल सी बात है जो कि मेरी सेविंग्स हैं, हाँ जी, जो मेरी सेविंग्स हैं 200 रुपये वो मैं रश्मि को दे दूँगा, और 50 रुपये अपना EF अकाउंट में रखूँगा इमरजेंसी फंड में, और 10 रुपये बाबू को और 10 रुपये मम्मी को, ठीक है। तो उन सभी को बांट के बचेंगे 500 के आसपास रुपये, तो वो हमारा जो है वो खर्च हो जाएगा, मतलब वो हमारा चिल्लर हो जाएगा जो हमारे पास कल पेट गले में वापस जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कस्टमर नहीं आने चाहिए, एक वाहियात कस्टमर आज मुझे मिले थे, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आपको कोई चीज़ लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो, ठीक है। लेकिन ऐसे अटका के मत जाओ कि बंदा ना सामने से होप में बैठा था कि यार ये तो बंदा अब आ रहा है, अब आ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना। साफ मना कर दो वो सही है, जैसे मैं साफ मना कर देता हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको हर जगह, कुछ ना कुछ अजीब लोग मिलते रहेंगे। तो चलो अभी के लिए करते हैं बाय, कल फिर से मुलाकात करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे, ठीक है, मेरे से भी अच्छा कर रहे होगे। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय, शबा खैर।